नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 24 नवंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। रिलायंस जियो का ताबड़तोड़ इस्तेमाल बिहार में। जियो के सस्ते पैक के कारण हर कोई जियो का दीवाना बना हुआ है। ऐसे में जियो के इस्तेमाल में इजाफा देखना जायज है। रिलायंस जियो के आने के इतने दिनों बाद भी इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। हाल ही में ट्राई द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार आज भी जियो ग्राहकों की पसंद में सबसे पहले पायदान पर है। हाल ही में सितंबर महीने में बिहार झारखंड में 7,44,082 नए ग्राहकों को अपने नेटवर्किंग से जोड़ा है। फोर्थ ग्रेड में हुई बहालियों का सरकार ने मांगा ब्यौरा। बिहार सरकार ने अलग अलग विभागों में हुई बहाली को लेकर ब्यौरा मांगा है। खासकर फोर्थ ग्रेड के पदों पर की गई बहाली की रिपोर्ट पर सरकार ने खास ध्यान देने को कहा है। दरअसल बिहार फोर्थ ग्रेड नियमावली 2010 के अनुसार इन पदों पर आवंटन हेतु समय समय पर प्रावधानों में संशोधन की प्रक्रिया की जा रही थी, जिसके पश्चात इस नियमावली के प्रवृत्ति होने की तारीख में अब तक फोर्थ ग्रेड पदों पर हुई नियुक्ति से संबंधित रिपोर्ट मुहैया करवाने का अनुरोध किया है। बाढ़ में हुए नुकसान का भुगतान करेगी सरकार। हाल ही में बिहार के कई जिलों में हुए बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई अब सरकार करेगी, जिसके लिए किसानों को भारी नुकसान से निकालने के लिए सरकार ने किसानों को इनपुट अनुदान देने का निर्णय लिया है। आपको बता दें, अनुदान की राशि सरकार उस समय आम लोगों को मुहैया करवाती है जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण आम जनजीवन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा हो। नालंदा सांसद ने दानापुर एक्सप्रेस के विस्तार के लिए की मांग। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी से मिले नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार, जिसके पश्चात उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं के निवारण हेतु अपने मांग पत्र को रेल राज्य मंत्री के हाथों में सौंप दिया है। अपने मांग पत्र में उन्होंने कहा है कि राजगीर एक मनोरम स्थल है जहां सालों साल पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए हमारी मांग है कि सिकंदराबाद दानापुर एक्सप्रेस का विस्तार राजगीर तक किया जाए। जेपी सेतु पुल पर भारी गाड़ियों की आवाजाही पर लगी ब्रेक। हाल ही में गांधी सेतु पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई थी, जिससे कि पुल पर बढ़ते दबाव को देखते हुए पथ निर्माण विभाग ने सरकार के लिए गए फैसले का विरोध किया है। साथ ही साथ पुलों पर भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा गांधी सेतु पुल पर जाने वाले वाहनों की अधिकतम और न्यूनतम गति सीमा भी तय कर दी है, जिसके तहत अब गांधी सेतु पुल पर गाड़ियों की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे ही होनी चाहिए। वहीं 12 चक्के से ज्यादा के भारी वाहनों के परिचालन पर रोक होगी। बिहार की बेटी ने रचा इतिहास। हर क्षेत्र में बिहारियों का बोलबाला शुरू से देखने को मिला है। एक बार फिर बिहार का नाम समूचे देश में सम्मान के साथ लिया जा रहा है, और ऐसा हुआ है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के शिवांगी के कारण। शिवांगी या यूं कहें लेफ्टिनेंट शिवांगी नौसेना की पहली पायलट नियुक्त की गई है, जिसके पश्चात वो 2 दिसंबर को फिक्स्ड विंग डोनियर सर्विलांस विमान को उड़ाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाएंगी, जिसके बाद शिवांगी का ट्रांसफर कोची में किया जाएगा। बिहार पुलिस सीएसबीसी केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल ने निकाली रिक्तियां। बिहार पुलिस सीएसबीसी केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल ने परिवहन विभाग के अंतर्गत चलंता दस्ता सिपाही के पदों पर पुरुष एवं महिलाओं के लिए कुल 496 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस LMV या HMV के साथ भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। वहीं आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी 1 अगस्त 2019 तक कम से कम 18 तथा अधिकतम 25 वर्ष का ही होना चाहिए। ST/SC को 5 साल जबकि OBC को 3 साल की उम्र में छूट मिलने का प्रावधान होगा। इन पदों पर आवेदन भरने के लिए आवेदन शुल्क सामान्य OBC और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को 450 रुपये चुकाने होंगे। SC/ST अभ्यर्थी को 112 रुपये ऑनलाइन माध्यम से चुकाने होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी www.csbc.bih.nic.in पर जाकर 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। बिहार का वो IAS जिसने पूरी की थी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। बिहार के IAS रविंद्र कुमार ने पढ़ाई के क्षेत्र में तो अपना लोहा मनवाया ही है, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके इतिहास रचा था। उनकी इन्हीं उपलब्धियों के कारण रविंद्र कुमार पर हाल ही में एक शॉर्ट फिल्म शिखर से पुकार बनाई गई है, जिसका लोकार्पण भारत सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है, जिसमें रविंद्र के जीवन के उस हिस्से का भी वर्णन किया है जब उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर पानी के संरक्षण का संदेश लोगों तक पहुंचाया था। अगले साल मार्च तक लगभग 90,000 कर्मियों को सौंपा जाएगा नियोजन पत्र। शिक्षकों को अपने नियोजन का और करना होगा इंतजार। शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों के नियोजन के लिए शेड्यूल जारी करता आया है। एक बार फिर शिक्षा विभाग ने नियोजन प्रक्रिया में हुए बदलावों के मद्देनजर नया शेड्यूल जारी किया है, जिसके तहत अब अगले साल 31 मार्च तक लगभग सभी 90,000 नियोजित शिक्षकों का उनका नियोजन पत्र सौंप दिया जाएगा। इससे पहले यह तारीख 29 जनवरी निर्धारित की गई थी।
गुलाबी सर्दी में राजगीर वासी उठाएंगे राजगीर महोत्सव का मजा। सोमवार से शुरू होने वाले राजगीर महोत्सव में पहाड़ियों से घिरे राजगीर की खूबसूरती में यह मौसम चार चांद लगा रहा है। पटना से महज 100 किलोमीटर दूर राजगीर में अक्सर पटनावासी छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं और इस साल तो और भी खास होगा। 25 तक जाने वाले लोग राजगीर के भव्य सौंदर्य के साथ साथ इस 3 दिवसीय मेले का भी लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं आपको बता दें 25 से शुरू होने वाले इस राजगीर महोत्सव में देश विदेश के पर्यटक शामिल होंगे और इस महोत्सव की शोभा बढ़ाएंगे। बिहार के लिट्टी चोखे की गूंज देश विदेशों तक। यूपी बिहार में लिट्टी चोखा का एक अलग ही स्थान है। लिट्टी चोखा का क्रेज तो कुछ ऐसा है कि भोजपुरी में कई गाने भी लिट्टी चोखे को लेकर बनाए गए हैं। खाना चाहे कोई भी हो मगर लिट्टी का जायके और स्वाद की बात कुछ अलग है। पटना आए सभी लोग एक बार लिट्टी चोखा का स्वाद तो चखते ही चखते हैं। लिट्टी चोखे की धूम देश के साथ साथ विदेश में भी है। हाल ही में भारत दौरे पर आई अभिनेत्री मैंडी मूर जब पटना पहुंची तो उन्होंने लिट्टी चोखे का स्वाद चखा, जिसके बाद उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा था, मजेदार असली बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखे का जायजा ले रही हूं। मेगा फूड पार्क परियोजना को बिहार में लागू करने में आ रही हैं दिक्कतें। हाल ही में मेगा फूड पार्क बनाने की जद्दोजहद में बिहार के कई इलाकों से मिनी रेस्टोरेंट और खाने की जगहों को हटाया गया था, इस उम्मीद में कि जल्द ही सरकार मेगा फूड पार्क का आयोजन करेगी जहां एक बार फिर से लोग अपना काम शुरू कर सकेंगे। मगर अभी इस मेगा फूड पार्क की परियोजना पर राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हरसिमरत कौर ने यह बताया कि सरकार द्वारा लागू किए गए इस मेगा फूड पार्क परियोजना को लागू करने में बिहार और बंगाल में काफी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों राज्यों में पर्याप्त कच्चा माल मौजूद होने के बावजूद इस परियोजना को लागू करने में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीता के रसोई में पकाई जाएंगी बिहार से भेजी गई चावल। राम मंदिर के निर्माण कार्य का रास्ता साफ होते ही सभी श्रद्धालुओं की असीम आस्था जाग गई है। हर कोई राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए इच्छुक है। ऐसा ही नजारा बिहार की राजधानी पटना में देखने को मिला, जहां महावीर मंदिर के संस्थापक किशोर कुणाल ने पहले राम मंदिर के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए देने की बात कही तो अब उन्होंने यह भी कहा है कि भगवान राम के भोग के लिए बिहार से गोविंद भोज चावल भेजने की योजना पर भी मुहर लगा दी गई है। रातों रात भाजपा ने पलट दी महाराष्ट्र की किस्मत। इतने दिनों से मौन बैठी भाजपा ने जब किया तो सभी राजनीतिक दलों की हवाइयां उड़ गई। किसी ने नहीं सोचा था कि जहां एक ओर कांग्रेस शिवसेना एनसीपी गठबंधन करके सरकार बनाने जा रहा है, वहीं सुबह उठते ही देवेंद्र फडणवीस एनसीपी के साथ मिलकर बतौर मुख्यमंत्री शपथ ले चुके होंगे। संविधान दिवस पर सभी सरकारी सेवकों को मिले सख्त निर्देश। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के शुभ अवसर पर सभी सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। गृह विभाग ने सभी सरकारी कर्मचारियों को संविधान दिवस के दिन भारतीय संविधान का प्रस्ताव पढ़ने का आदेश दिया है, जिसके पश्चात अब सभी अधिकारी 26 नवंबर को 11 बजे संविधान का प्रस्ताव पढ़ेंगे। जल्द ही संविधान दिवस में संबंधित एक बैनर भी लगा दिया जाएगा। बिहार के शेखपुरा का करना है भ्रमण तो इन स्थलों पर जाना ना भूले। कम खर्चे में घूमने की चाह रखने वालों के लिए आज इस सेगमेंट में हम शेखपुरा के पर्यटन स्थलों के बारे में बताने वाले हैं। शेखपुरा जाने वाले लोग इन मशहूर स्थलों पर भ्रमण करना ना भूले। श्री विष्णु धाम, बरबीघा, शेखपुरा, अर्घोती पोखर, गिरिहिंडा पहाड़, समस, त्रिपुराई मंदिर, शेख शोएब दरगाह जरूर घूमने जाएं। पटना से शेखपुरा गाड़ी से सफर करने वाले यात्रियों को 2 से 3 घंटे का सफर करना पड़ेगा। वहीं ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को 5 से 6 घंटे का सफर करना होगा। पटना से शेखपुरा बाय रोड की दूरी NH 31 से 117.7 किलोमीटर है। अब आइए हम जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे ऋचा सोनी की। ऋचा सोनी मूल रूप से बिहार की निवासी है। ऋचा का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। ऋचा सोनी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई भी बिहार से ही की थी, जिसके बाद ऋचा अपना करियर बनाने मुंबई चली गई, जहां काफी स्ट्रगल के बाद ऋचा को शरारत सीरियल में काम करने का मौका मिला, जिसमें ऋचा को कुछ खास पॉपुलैरिटी नहीं मिली। उसके बाद ऋचा को सौभाग्यवती भवन में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने बिंदिया का रोल निभाया था। इस रोल के बाद ऋचा सोनी को घर घर में लोग जानने लगे। वहीं ऋचा ने बतौर एक्टर कई और सीरियल्स में भी काम किया है। महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल पुथल पर गिरिराज सिंह ने दिया बयान, क्या सोच के चले थे और क्या हो गया। महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल भी इसी बात का गवाह है। रातों रात बदली सरकार पर अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा के फायरब्रांड कहे जाने वाले गिरिराज सिंह ने महाराष्ट्र पर अपनी प्रतिक्रिया और साथ ही साथ शिवसेना की अलग सरकार बनाने के एजेंडे पर तंज कसते हुए कहा है कि ज्यादा लोभ नाश का कारण बनता है और सभी राजनेता बैठकर तमाशा देखें। कैट परीक्षा आज। कैट 2019 परीक्षा की तारीख की घोषणा काफी पहले ही की जा चुकी है, जिसके अनुसार आज 2 शिफ्टों में यह परीक्षा ली जाएगी। ज्ञात हो इस परीक्षा के लिए 156 शहरों में कुल मिलाकर 374 केंद्रों का निर्माण किया गया है, जिसमें लगभग 44,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
बिहार में सिपाही चालकों के लिए खुला ट्रेनिंग स्कूल। भागलपुर जिले के नाथनगर में बिहार राज्य का पहला सिपाही चालक प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ हो चुका है, जहां अभी तक 750 चालक सिपाही को ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें, इस संस्थान में सभी सिपाही चालकों को 180 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस बैच की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फिर इतनी ही संख्या में दूसरा बैच के चालक सिपाहियों की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी। ट्रेनिंग ले रहे सिपाहियों को बस वाहन चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, बल्कि वाहन से जुड़ी तकनीकी जानकारी भी साझा की जाएगी। बिहार से निकलकर अब जापान में दिखाएगा अपना कराटे तकनीक। बिहार ही नहीं बल्कि समूचे देश में अपना नाम रोशन करने वाला तनय हर्ष अब जापान में अपने कराटे का करतब दिखाएगा। आपको बता दें, तनय हर्ष भाजपा के फायर ब्रांड कहे जाने वाले नेता गिरिराज सिंह का रिश्तेदार है। तनय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। तनय ने अभी तक कराटे से कुल 21 मेडल जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड हैं। अब आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। नवंबर शुरू होते होते ठंड के आसार दिखने लगते हैं। पंखे बंद हो जाते हैं तो कंबल बंद बक्सों से बाहर निकल आते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस गुलाबी ठंड का असर किन किन जगहों पर देखने को मिलेगा। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय महसूस होगा। वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में भी सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिलेगी, मगर मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगी। वहीं रात होते होते ठंड का असर भी दिखने लगेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3732 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति ग्राम 3915 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 46800 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.34 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 71.33 रुपए प्रति लीटर था। कोहली के नाम एक और रिकॉर्ड हुआ दर्ज। भारतीय कप्तान विराट कोहली उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से है जिन्होंने कंपारियों खेलकर कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम दर्ज किए हैं। अब विराट के रिकॉर्ड लिस्ट में एक और उपलब्धि ने जगह बना ली है। हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच खेले गए डे एंड नाइट टेस्ट मैच में विराट ने पहले ही दिन 32वां रन बनाते ही सबसे कम पारियों में 5000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 86वीं पारी में यह कमाल किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग के नाम था। उन्होंने 97वें पारी में यह रिकॉर्ड दर्ज किया था। बिग बॉस में खेसारी लाल यादव का सफर हुआ खत्म। बिग बॉस में हर साल बिहारियों का बोलबाला बना रहता है। इस बार भी एक बिहारी को बिग बॉस के घर में आने का न्योता दिया गया था, जिनका नाम था खेसारी लाल यादव। यूं तो खेसारी लाल यादव घर में घुसने से पहले अपनी रणनीति बना चुके थे, मगर घर में घुसते ही वो दर्शकों को कैमरे पे कम और कोने में ज्यादा नजर आने लगे। यही कारण रहा कि पिछले एपिसोड में बिग बॉस ने घर वालों से उस सदस्य का नाम लेने को कहा जिसका योगदान इस शो में बेहद ही कम देखने को मिल रहा हो, जिसमें अधिकतर घर वालों ने खेसारी लाल यादव का नाम लिया, जिसके बाद बिग बॉस ने बताया कि यह प्रक्रिया एविक्शन की थी। क्योंकि घर वालों में से अधिकतर ने खेसारी लाल यादव का नाम लिया है, इसलिए बिग बॉस खेसारी को अभी इसी वक्त घर से बेघर होने का आदेश देती है। कल पूछे गए सवाल का जवाब बहुत लोगों ने हमें कमेंट करके बताया, जिसमें से आशीष कुमार, मिंटू कुमार, रणधीर कुमार, चंदन कुमार, सेवा सदन, बबलू कुमार का सुझाव हमारी टीम को काफी अच्छा लगा। और भी कई लोगों के सुझाव हमें अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उन लोगों का नाम नहीं ले सके। और अब आज का सवाल, बिहार में सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी क्यों बनते हैं? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।